यूं ही कोई विराट नहीं बन जाता। कोहली बनने के लिए विराट रूप लेना पड़ता है, कोहली बनने के लिए तपना पड़ता है। विराट बनने के लिए आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए। विराट कोहली खत्म हो चुका है, विराट कोहली के बल्ले में अब वो दम नहीं है, ये विराट अब घमंडी हो गया है। ये वो शब्द हैं जो विराट कोहली के लिए 2 महीने पहले तक इस्तेमाल हो रहे थे। क्रिकेट फैन से लेकर एक्सपर्ट्स तक का यही मानना था, लेकिन बात विराट की हो रही थी। जब विराट पर बात आती है तो सबकी बैंड बज जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने रन तो केवल 82 बनाए, लेकिन ये 82 रन उनकी जिंदगी के सबसे यादगार रन होंगे। ये हारा हुआ मैच कैसे जीता जाता है ये विराट से सीखिए। करोड़ों फैंस की उम्मीदों को पूरा कैसे किया जाता है ये विराट से सीखिए, क्योंकि विराट अपने आप में एक किताब है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से कोहली ने विराट पारी खेली, उससे हर क्रिकेट फैंस उन्हें दुआ दे रहे हैं। वैसे विराट के लिए फिर से रन मशीन बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। उन्होंने विवाद झेले, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के ताने सुने जिन्होंने शायद कभी बल्ला भी नहीं उठाया। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी, लेकिन हमेशा शतक के कारण चर्चा में रहने वाले कोहली इस बार लगातार फेल होने के कारण सबके टारगेट पर थे। लेकिन वो विराट है, उनका नाम भी विराट और काम भी विराट है। लगातार फेल होने का असर उनके ऊपर दिखने भी लगा, चेहरे पर झुंझलाहट, खुद पर गुस्सा। दुनिया ने पहली बार उनका ये रूप देखा। कुछ को बुरा लगा तो कुछ ने उनको संन्यास लेने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसके बाद विराट ने एक फैसला लिया और उस फैसले से उनकी जिंदगी बदल गई। ये फैसला था क्रिकेट से ब्रेक लेकर परिवार के साथ समय बिताना। एशिया कप से ठीक पहले टीम इंडिया और क्रिकेट से दूर उन्होंने अपने परिवार से लंबा समय बिताया, लेकिन उन्होंने वापसी की और ऐसी वापसी की जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। पहले एशिया कप में अपने T20I करियर का पहला शतक लगाया और अब पाकिस्तान के खिलाफ 82 रनों की पारी खेली। ये तो सिर्फ विराट ने ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब विराट आ गया है और लगता है कि भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही दम लेगा। जो काम वो कप्तान के तौर पर नहीं कर पाए वो एक बल्लेबाज के रूप में करेंगे। लेकिन आपके लिए एक सलाह है कि विराट को चैलेंज मत करना, क्योंकि विराट को चैलेंज पसंद है। न्यूज़ नेशन के लिए लक्ष्य शर्मा की रिपोर्ट।